गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जो था वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। हमने देखा था अलग अलग वेदर और अलग अलग क्लाइमेट हर कैसे फॉर्म होता है ना। हमने देखा था क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, फिर हमने देखे थे उनके कॉजेज क्या होते हैं। उसके बाद हमने इक्वेटर पढ़ा था, द बिगेस्ट गेनर ऑफ सनलाइट, जिस पर सबसे ज़्यादा सनलाइट की रेस पड़ती है। हाउ फार आर वी फ्रॉम सी लेवल, हमने ये भी देखा था। नाउ नेक्स्ट वी कम फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हम सी से कितनी दूर हैं। वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल स्लोली देन द लैंड, हमने ये भी पढ़ा था शायद, है ना, कि जो वाटर है वो लैंड की बनिस्बत जल्दी से ठंडा हो जाता है गर्मी में। When the land is heated by sunlight, water takes more time to get heated. ठीक है, जब लैंड पे सनलाइट की रेस पड़ती है तो पानी बहुत जल्दी पानी वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड, पानी जो है उसको टाइम लगता है गर्म होने के लिए, लेकिन लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हेंस द एयर मूवमेंट फ्रॉम वाटर बॉडीज टू लैंड कीप्स द अर्थ कूल, इसलिए जो लैंड में वाटर के अंदर जो भी बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो हमारे अर्थ को बहुत ही ठंडा रखता है। ठीक है, सिमिलरली इन विंटर वाइल लैंड कूल्स डाउन फास्ट, और विंटर में क्या होता है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है इसलिए ज़मीन भी बहुत जल्दी ठंड होती है। वाटर कूल्स एट रिलेटिवली स्लोअर पेस एंड द एयर मूवमेंट फ्रॉम द लैंड टू सी मॉडरेट्स टेम्परेचर, हैंस एरियाज नियर द सी आर वार्मर एंड विंटर इन विंटर एंड कोल्डर इन समर। ये भी हमने पढ़ा था कि जो एरिया होते हैं सी के आसपास में वो ज़्यादा गर्म होते हैं और विंटर में वो ठंडे हो जाते हैं, और वाटर जो होता है वो समर में तो ठंडा होता है और विंटर में गर्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू ओशन करंट्स। व्हाट आर ओशन करंट्स? ओशन मतलब हवा का धक्का। ओशन विंड्स ब्लोइंग इन द ओशन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ वेरियस रीजन। ठीक है, जो विंड्स, जो हवा जो चलती है ओशन की तरफ में, वो हमें हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है अलग अलग रीजन में। ठीक है, हवा जो चलती है उसका इफ़ेक्ट समुंदर पे आता है, लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं और उस वजह से वहाँ का क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। ओशन करंट्स कैन वार्म अप और चिल डाउन रीजन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स। ठीक है, ओशन करंट्स कैन वार्म अप और चिल डाउन रीजन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स। व्हेन द वार्म ओशन करंट्स कम टू द कूलर शोर्स, दे वार्म अप द एरिया, एंड द अदर हैंड व्हेन कोल्ड करंट्स रीच वार्म एरिया, दे कूल दोस एरियाज। अब ओशन करंट्स जो है उनका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ओशन करंट्स जो है, जो बिल्कुल ठंडा रीजन होता है और उसमें अगर ओशन करंट्स आ जाएंगे तो वो रीजन भी उस पर डिपेंड करता है कि वो विंड जो है वो वार्म आई है या चिल आई है, मतलब ठंडी आई है या गर्म आई है। अगर गर्म हवा आई है तो वो रीजन पूरा गर्म हो जाएगा, अगर ठंडी हवा आई है तो वो रीजन पूरा ठंडा हो जाएगा। When the warm ocean currents come to the colder shores, मतलब जब warm ocean यानी कि गर्म हवा का धक्का जब ठंडे रीजन में आता है तो वहाँ पर भी गर्म हो जाता है। They warm up the area, मतलब अगर गर्म हवाएं आ जाए ठंडे रीजन में तो उसके वजह से वहाँ का जो एरिया है वो भी बिल्कुल गर्म हो जाता है। On the other hand, when the cold currents reach warm areas, they cool those areas, यानी कि जो कूलर एरियाज़ हैं अगर वहाँ पर गर्म हवा आ गई तो वो रीजन गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर गर्म रीजन में ठंडी हवा आ गई तो वहाँ का पूरा रीजन ठंडा हो जाएगा। यानी कि सारा कुछ हमारे विंड्स पर डिपेंड करता है, हवा पे डिपेंड करता है। अगर ठंडी हवाएं आएंगी ओशन से तो हमें हमारे एरिया पूरा ठंडा हो जाएगा, और अगर गर्म हवाएँ आएँगी तो हमारा पूरा रीजन गर्म हो जाएगा। ओके, नाउ मॉइस्चर इन द एयर एंड परसिपिटेशन। ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी, हमारी एरिया, हमारे जो पानी में नमी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, आपने सुना होगा जब किसी के मुँह से कि आज यहाँ पर बहुत उमस हो रही है या आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या ह्यूमिडिटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो हवा में है, हवा जो चल रही है,
आपके आसपास में, आपकी अर्थ में, आपके एयर में जो भी हवा चल रही है उसमें पानी मॉइस्चर बढ़ गया है, उस वजह से ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द परसिपिटेशन और रेनफॉल इन एन एरिया, ओके। वो वहाँ का रेनफॉल बताता है कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अब बारिश होने वाली है, ठीक है। दस इट ब्रिंग्स अ चेंज इन ओवर ऑफ क्लाइमेट, इससे इसके वजह से क्या होता है, पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा चेंज हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, उमस बढ़ जाती है, और जैसे ही बारिश होती है वैसे ही ठंडक हो जाती है। इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेनफॉल एज द एयर इज़ वेरी ह्यूमिड इन दिस रीजन। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल मैंने आपको बताया था मिडल, अर्थ का जो मिडल है उसे इक्वेटोरियल कहते हैं। एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेनफॉल, जो इक्वेटोरियल रीजन पे जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एज द एयर इज़ वेरी ह्यूमिड इन दिस रीजन, किसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ की जो हवा है वहाँ में उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द कूलर रीजन आर हायर एटीट्यूड एक्सपीरियंस परसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, ठीक है। और जो कूलर रीजन है यानी जो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड के वजह से वहाँ परसिपिटेशन होती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हवा में एक पॉइंट के बाद में बर्फ़ आना चालू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, ठीक है। और वहाँ पे बर्फ़ गिरने लगती है जिसे बोला जाता है स्नोफॉल। तो ऐसी रीजन्स पे ये होता है, हाई एटीट्यूड्स पे, समझ में आया। इक्विटोरियल फॉरेस्ट में, इक्विटोरियल रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और अपर लेयर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इक्विटोरियल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और अपर लेयर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, ठीक है। ये चैप्टर हम आज के लिए यहीं पर स्टॉप करेंगे, अब इसे कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।